तो ये देखो अभी ये अपना पूरा कंप्लीट व्लॉगिंग सेटअप है। दोस्तों अनबॉक्सिंग का वक्त आ चुका है। ये पार्सल मैंने काफी दिन पहले ऑर्डर किया था लेकिन उसको आने में थोड़ा टाइम लगे। कोई बात नहीं, ये अपने व्लॉग्स के लिए, कंटेंट के लिए, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स सब के लिए है और ये मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस करेगा मेरे मेन कैमरा के। मतलब मैं बब भी बाहर जाऊँगा घूमने या कहीं पर भी जहाँ पर मुझे बात करनी है और विंड नॉइज होता है या डिस्टर्बेंस होता है बहुत सारा, तो उसमें ये चीज़ काम आएगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये वाला कैमरा मुझे हर जगह ले जाने का काम नहीं है। ऊपर से जो वर्टिकल कंटेंट हम बनाते हैं रील्स या शॉर्ट्स उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। और अगर मैं मुझे किसी से इंटरव्यू लेना है तो वो भी मैं ले सकता हूँ। वो तो चलो बात की बात है, सबसे पहले करते हैं अनबॉक्सिंग। पार्सल अनबॉक्सिंग। तो ये देखो ये वाला वो वायरलेस माइक है ग्रेनारो। ये अमेजोन पे मिला है मुझे अराउंड 2600 रुपीज़। इसमें सिंगल वाला भी मिलता है, ये दो है तो ऐसा सिर्फ अगर आपको एक चाहिए अगर खुद के लिए ही यूज़ करना है तो वो भी मिलता है आई थिंक कुछ 1700-1800 का। मैंने सोचा चलो 700-800 रुपये ज़्यादा देके एक्स्ट्रा माइक मिल रहा है सो वाई नॉट, मे बी मैं इसकी बैटरी के तो ये यूज़ कर सकता हूँ, तो आई डोंट नो। अब इसको खोल के देखते हैं। इसमें आता है वारंटी कार्ड, 1 ईयर वारंटी, और इसमें आता है डायरेक्टली एक मेन यूनिट। तो मेन यूनिट ये वाला उसको रखते हैं साइड में, थोड़ा देखते हैं पहले और क्या है। इसमें एक यूज़र मैनुअल मिलता है, इसमें तो दो दो टाइप से निकले हुए हैं और इसके साथ ये दो अडाप्टर्स। ये वाला जो अडाप्टर है ये लग जाएगा आपके आईफोन के लिए, तो ये देखो। और ये वाला जो है ये अगर आपको इनकेस ऑडियो मॉनिटर करना है, हेडफोन लगा कर चेक करना है, तो इसमें एक 3.5 mm जैक है, इससे आप ऑडियो मॉनिटर कर सकते हैं। चलो आते हैं मेन यूनिट पे। ये है देखो, ये थोड़ा बड़ा है, मतलब मैंने सोचा था थोड़ा छोटा रहेगा, मेरे वायरलेस हेडफोन्स दिखा था उसके कंपैरिजन में। तो ये देखो ये वायरलेस हेडफोन्स है और ये काइंड ऑफ बड़ा है, काइंड ऑफ डबल ही है। इसको खोलते हैं और ये देखो ये अंदर है 3 यूनिट्स इसके, इसमें से 2 है माइक और 1 है अडाप्टर जो फ़ोन के नीचे ही फिक्स हो जाएगा। अभी अडाप्टर कोई बैटरी वाला नहीं है, ये डायरेक्टली प्लग एंड प्ले है, इसको डायरेक्टली लगाओगे और शायद इट विल स्टार्ट वर्किंग। यहाँ पे देखो एक चार्जिंग केबल भी है इनकेस अगर आपका फ़ोन का बैटरी डाउन हो रहा है, आपको फ़ोन चार्ज करना है, तो ये लगते हुए भी आप यहाँ से टाइप से लगा के चार्ज कर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड। आते हैं सबसे मेन चीज़ पे, इसके नीचे भी टाइप सी है, इससे आप चार्ज भी कर सकते हो अलग से। इसमें भी ये चार्ज हो जाता है ऑब्वियसली क्योंकि इसके अंदर बैटरी है, तो इसमें ये दोनों माइक्स चार्ज वैसे ही हो जाएंगे। तो ये 2 माइक्स है, एक मैं लगा सकता हूँ, एक कोई और लगा सकता है, या तो फिर समझ गए ना आप बेसिकली इसका काम क्या है, समझ गए। इसको चार्ज, ये यहाँ पे पट्टी लगी हुई, इसको निकाल के थोड़ा चार्जिंग वार्जिंग कर लेते हैं इसकी। और ये देखो ये लगेगा फ़ोन के नीचे डायरेक्टली, हो गया। सॉर्टेड है यार, मतलब ये ऐसा बीच में भी नहीं आ रहा है, मैं प्रॉपरली शूट भी कर सकता हूँ सेल्फी मोड में, या तो फिर ऐसा भी शूट कर सकता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं जेब में डाल भी सकता हूँ इसके साथ, लेकिन वो मैं करूँगा नहीं क्योंकि फालतू में को रिस्क लेने का। तो अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन के लिए ये वाला अडाप्टर है, मतलब ये लगा के आप इसको आईफोन में डायरेक्टली प्लग कर सकते हो और आईफोन में भी ये डायरेक्टली चल जाता है, आपको कोई सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी प्लास्टिक है ऑब्वियसली, लेकिन फॉर दिस प्राइस इट इज़ डिसेंट इनफ। अब इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी है 3 लेवल्स का, तो एक लेवल पे शायद एक बार दबाया तो 2 लेवल पे 2 बार 3 बार ऐसा कुछ तो है इसका, अभी वो यूज़ करके ही मुझे पता चलेगा। वैसे इसके फीचर्स क्या है, तो 20 मीटर्स तक रिसेप्शन दिखा रही है। 20 मीटर्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, 20 मीटर्स तो छोड़ दो, 10 मीटर 15 मीटर भी चल गया तो बहुत है। प्लग एंड प्ले है, वाइडली कंपेटेबल विथ मैनी डिवाइसेस, मतलब ऑलमोस्ट ऑल डिवाइसेस। और इसके अंदर पॉइंट्स दिए हुए वो मैं देख सकता हूँ, बस अभी कुछ कुछ चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगी, जैसे कि देखो ये थोड़ा तो रहना चाहिए था ना ऊपर ऐसा, तो ऐसा रखता हो तो रहता है, स्प्रिंग एक्शन इसका बहुत ही नॉर्मल सा वीक है और थोड़ा सा फ्लमजी है, लेकिन 2500 में यार आपको माइक मिल रहा है वो भी 2 वाले, वही बहुत है। वैसे एक और प्रॉब्लम है कि ये 2 चीज़ें बहुत हाई चांसेस है कि ये गुम जाएंगे, तो इसको संभाल कर रखना पड़ेगा। तो ये देखो अभी ये अपना पूरा कंप्लीट व्लॉगिंग सेटअप है। ये एक ट्राइपॉड है, ये उसको लंबा भी कर सकते हैं एक्चुअली, ये डिजीटेक का है, चाहिए तो मैं इसकी भी लिंक दे दूंगा। फिर यहाँ पे अपना फ़ोन, अभी फ़ोन तो कोई भी चलेगा इसको, तो मेरा S23 Ultra, ये देखो ये अडाप्टर लगा हुआ है, ये 2 माइक और ये इसका केस, चार्जिंग केस। सॉर्टेड, मतलब कितना मिनिमलिस्टिक है इसको, एक्चुअली ये पूरे चीज़ को मैं जेब में लेके घूम सकता हूँ। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं इसको यूज़ करना और देखते हैं ऑडियो कैसा आ रहा है। आप कमेंट करके बताना कि ऑडियो कैसा आ रहा है, आप ही के लिए लिया है तो आप ज़रूर बताना।
और राइट दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग है मेरे फोन से, फ्रंट कैमरा से, और ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं ये डायरेक्टली फोन से है। तो अभी देखते हैं ऑडियो में डिफरेंस। वैसे फिलहाल मैं साइलेंट हो जाता हूँ, देखते हैं बैकग्राउंड नॉइज। तो आपको इससे बेसिक अंदाजा आ जाएगा कि बैकग्राउंड नॉइज कैसा है और मेरा आवाज कैसा है। मैं देखो यहाँ पे हूँ, ऑलमोस्ट 3 फीट के डिस्टेंस पे होऊंगा, तो इस प्रकार मेरा साउंड आ रहा है। ऑब्वियसली जैसे जैसे पीछे जाऊंगा वैसे वैसे साउंड कम ज्यादा होगा, लेकिन अभी मैं इंस्टॉल करूंगा ये अडाप्टर और ये माइक और फिर देखते हैं इसका ऑडियो कैसा है। ओके, वी आर ऑन द ऑडियो ऑफ दिस न्यू माइक जो वायरलेस माइक है। और मुझे एक पॉपअप भी आया था कि ऑडियो थ्रू यूएसबी आउटपुट। तो आप बताओ अभी ऑडियो कैसा आ रहा है, कितना आ रहा है। मैं थोड़ा साइलेंट हो जाता हूँ, देखते हैं बैकग्राउंड नॉइस। ओके, अब मुझे पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ तो मुझे अभी तक कुछ पता नहीं किसकी क्वालिटी कैसी है। अब थोड़ा और मैं दूर जाता हूँ और फिर देखते हैं कि ऑडियो आउटपुट इसका कैसा आ रहा है। ये देखो अभी मैं इतना पीछे जा चुका हूँ, ऑलमोस्ट कितना 10 फीट का डिस्टेंस होगा, शायद उससे भी ज्यादा होगा। तो अच्छा खासा ऑडियो आ रहा होगा। देखो मैं अभी चल रहा हूँ, मस्त एकदम दूर हूँ, आई थिंक इट इज़ गुड। मैं तो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ और नॉर्मल वॉइस में बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी मैं जोर से बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें ग्रीन लाइट लगी हुई है, इजी टू यूज़ है काफ़ी। अभी इसकी बैटरी कितनी चलेगी पता नहीं, बोलते कि 3 से 4 घंटे ये चल जाएगा और केस में चार्जिंग तो हो ही जाती है। तो ये वाला जो माइक है ये एक माइक है, अभी मैं दूसरा माइक भी लगा के देखूंगा। दोनों माइक चेक करना होता है ना, नहीं तो पता चले कुछ लफड़ा हुआ तो फिर रिटर्न करने का काम पड़ेगा। तो अभी ये माइक हो गया, अभी दूसरा माइक टेस्ट करते हैं। ओके, माइक टेस्टिंग। मैंने इसका ऑडियो दूसरे वाले का सुना, बहुत ही अच्छा क्लियर ऑडियो आ रहा है यार, बहुत बढ़िया, नॉट बैड। अभी ये दूसरा माइक है तो इसको लगाएंगे यहाँ पे और इसमें भी आई होप अच्छे से ऑडियो आ ही रहा होगा। यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन दिखा देता है तो अच्छी बात है कि भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर मॉनिटर करना हो तो मैं ऐसा लगा के कर भी सकता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी दूर आ चुका हूँ मैं यहाँ पे, और ज़रूरी नहीं है कि मैं इतना ही दूर, मैं शायद और दूर भी जा सकता हूँ। चलो और दूर टेस्ट करते हैं। तो ये देखो अभी फ़ोन मैंने रख दिया है यहाँ पे और मैं जाऊँगा वहाँ तक और देखते इसका ऑडियो कैसा है। वैसे तो ऑडियो अच्छा ही आ रहा होगा शायद से। ये देखो मैं ऑलमोस्ट 15 फीट के डिस्टेंस पे हूँ, फिर भी ऑडियो अच्छा ही लग रहा है। और इसमें ऑलरेडी विंड कैंसिलेशन का थोड़ा सा सेटअप है तो मुझे लगता है कि विंड कैंसिलेशन का कोई लफड़ा होगा नहीं। अब इसका सबसे ज़्यादा काम पड़ेगा मुझे जब मैं फ़ोन बाहर ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ करूँगा, तो कैमरा ऐप से बहुत ही कम मैं ले जाऊँगा, पता नहीं मैं शायद ले भी ना जाऊँ क्योंकि बहुत सारी जगह भी मेरी बच जाएगी। और ये फ़ोन से तो अपन क्वालिटी अच्छी है ही, तो पोर्ट्रेट वीडियो जो चाहे वो वीडियो शूट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर रील्स एंड शॉर्ट्स और वॉइस ओवर्स के लिए भी बढ़िया है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, यूजिंग माई लिंक अगर आप परचेस करोगे तो थोड़ा फायदा हमको हो जाता है, कोई स्पॉन्सर तो है नहीं। वैसे सस्ते वाले भी आते हैं अमेजोन पे, लेकिन उनकी रेटिंग्स इतनी कुछ खास थी नहीं, तो थोड़ा सा रिसर्च करके मैंने ये ले लिया है। आई थिंक इट इज़ अ वर्थ परचेस। अभी आने वाले वीडियोज में, रील्स में, शॉर्ट्स में आपको पता चल जाएगा कैसा है। वैसे कमेंट करके जरूर बताना ऑडियो कैसा है। Alright, it's time to end this video. I hope आपको वीडियो अच्छा लगे और ये जो चीज़ है ये आपके कितनी हेल्प आएगी पता नहीं, लेकिन कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए अच्छी चीज़ है। और आई होप आपको ये वीडियो में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिला होगा। और जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे टाइप के मेरे बहुत सारे वीडियोज हैं वो आप जाके चेक कर सकते हो, फ्यूचर में भी करते रहेंगे। वैसे अपना ये अभी व्लॉगिंग सेटअप है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं अभी इसको ही लेके जाऊँगा। अपना जो बड़ा कैमरा है इसकी अभी मुझे लगती है ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी तो अभी सॉर्टेड है, वीडियो क्वालिटी तो ऑब्वियसली इसकी अच्छी है इससे, तो फिर और क्या चाहिए। और हैंडी है एनीवेज, जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो ये सब निकला हुआ रहता है टैंक बैग में, तो इसको लगाओ, इसको डालो, कैप निकालो, इतने टाइम में तो ये माइक लग जाता है, इससे इसको उतना भी टाइम नहीं लगता है। तो टाइम के हिसाब से देखेंगे तो ऐसे कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इनफैक्ट ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इतनी बड़ी स्पेस बच जाएगी भाई। तो ये सॉर्ट हो गया, इसीलिए मैंने ये फोन लिया था और इसीलिए मैंने ये भी लिया है, सॉर्टेड। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, पढ़ते रहो।